हमारे यहाँ किसान पंप हाउस में मोटर, स्मर्सिबल, नल, चापाकल, जनरेटर पार्ट्स, पाइप, डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। वरुणा पंप्स, अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, अनंतनाग स्कूल के बगल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। विश्रामपुर रेहला से शशि तिवारी की रिपोर्ट। विश्रामपुर पलामू। पर्यावरण के समुचित देखभाल व संरक्षण के लिए पेड़ पौधे का होना जरूरी है, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। साथ ही हम सबों के जीवन का अभिन्न अंग भी है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध हो रही कटाई व उजड़ते जंगल से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। ऐसे में दैनिक जागरण का अभियान ऑक्सीजन है वरदान कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को प्रेरित व जागरूक करने का कार्य कर रहा है। हम सबको आगे बढ़कर दैनिक जागरण की ओर से चलाई जा रही ऑक्सीजन है वरदान कार्यक्रम में जुड़कर पेड़ पौधों की अंधाधुंध हो रही कटाई पर रोक लगाते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण का संकल्प लेना होगा। उक्त बातें रेहला ग्रासिम इंडस्ट्री के HR अजीत तिवारी ने कहा। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रासिम इंडस्ट्रीज के HR अजीत तिवारी व संचालन सुशील शुक्ला ने किया। मौके पर श्री तिवारी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पौधारोपण व उसकी देखभाल के प्रति जागरूक करना है। उत्पाद विभाग के अजय गुप्ता, पावर प्लांट दीपक शर्मा, दिनेश उपाध्याय, संजीव मिश्रा, रवि आचारी, रितिशा मिश्रा, सुशील शुक्ला आदि लोगों ने भी संबोधित किया। कहा कि इस कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन के परेशान होते देखा है। ऑक्सीजन के लिए लोगों को सिलेंडर पर निर्भरता देखी गई। भविष्य में ऐसी परेशानी ना हो, इसे लक्ष्य बनाकर अधिक से अधिक पौधारोपण का कार्य करना होगा। दैनिक जागरण का अभियान ऑक्सीजन है वरदान कार्यक्रम से हम सबको सीख लेने की जरूरत है। यह लोगों को प्रेरित कर अधिक से अधिक पौधारोपण का कार्य करा रहा है। मौके पर घनश्याम विश्वकर्मा, मनीष सिंह, देवव्रत तिवारी, अभय द्विवेदी, त्रिलोचन साहू, अनिल गिरी, जयपाल सिंह आदि लोग शामिल थे। खाली पर्यावरण ही नहीं, पर्यावरण के अंदर जो भी तत्व थे उनका बड़ा गलत तरीके से दोहन किया जा रहा है। प्रकृति ने हमको हर चीज़ दिया है कि अगर हम संतुलित तरीके से उसका उपयोग करें या करेंगे तो हमको दीर्घायु दीर्घ समय तक देगा। इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, उसको भी कितना सही तरीके से, कितना आत्मीयता से, कितना गंभीरता से मनाया जाता है, मुझे लगता है कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम लोग भी मनाते हैं, पेड़ लगा दिया, फोटो दे दिया, इंटरव्यू में दे दिया, मीडिया को बता दिया, ख़त्म हो गया। अभी कितने पेड़ लगाए गए, कितने जी रहे हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं मिलेगा। सवाल उठता है कि ये स्थिति क्यों आई कि हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्या हम पर्यावरण को रोज़ संरक्षित करने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, क्या हम उसको अच्छे तरीके से नहीं रख सकते? हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, इस पर हम नहीं सोच सकते? क्या हर चीज़ के लिए कानून बनाना या सरकारी डंडा के बाद ही हम करेंगे, ये हम सोच रहे हैं? अगर ये सोच रहे हैं तो हम लोग आज की डेट में सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। महज खानापूर्ति से कुछ नहीं। हमारा आदित्य बिरला समूह ग्रासिम परिवार हमेशा से ही इन्वायरमेंट के बारे में सचेत रहा है। हम लोग हर तरीके से इन्वायरमेंट की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, पर्यावरण के समस्त मापदंडों पे अपना प्रोडक्शन करते हैं, हर कंप्लायंस को करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसके अतिरिक्त अच्छा क्या कर सकते हैं ताकि हमारी भावी पीढ़ी को भी एक अच्छा पर्यावरण दे सकें, इसके बारे में हमेशा हम चिंतन करते हैं और प्रयास करते हैं। इसी प्रयास के तहत ये एक नया हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, जिसका थीम है जड़ से जुड़ाव। यानी कि हम जड़ से, जो भी आदमी हमारे यहाँ आता है, हम उसको एक एहसास दिलाते हैं कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, हम उसके प्रति कितना सचेत हैं। ये एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है, जिसमें आप सभी मीडिया बंधुओं का और हमारे पूरे प्रबंधन का, विभागों का, अनुभागों का और समस्त कर्मचारियों का सहयोग रहा है, जिसमें हम कोई भी हमारा नया सहयोगी आता है या जाता है उससे हम एक पेड़ लगवा रहे हैं। पेड़ हमारा औषधीय है, क्योंकि हम लोग वर्तमान में जल विभाग, ये वन विभाग से भी बात कर रहे हैं और फ्यूचर में हम लोग इसको हमेशा रखेंगे। अगले पड़ाव में हमारा ये भी प्रयास है कि अगर हमारे किसी बच्चे का, किसी कर्मचारी का, किसी सहयोगी का जन्मदिन होता है तो हम उसको अपने एंड से एक पेड़ पौधा गिफ्ट करेंगे और कहेंगे तुम इसको लगाओ।
अभी मैंने आपसे एक बात की कि अगर हमारे यहाँ चारों ओर पेड़ पौधा लगा दिए जाते हैं तो हम एक सिर्फ उसी की रखवाली के एक आदमी भी हम रखने का प्रस्ताव रखेंगे, ताकि कम से कम एक पूरा का पूरा दायित्व उसका रहे, दिन भर उसी की सेवा करें, ताकि उसको हम लोगों ने लगाया है तो उसको फल आए और हमारा आगे भविष्य भी उसको लगा उससे लाभान्वित हो। ये मुझे लगता है कि छोटा सा किया गया प्रयास अवश्य ही दूरगामी परिणाम देगा, और इसमें मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ और आप लोगों का सहयोग की उम्मीद करता हूँ, और मुझे लगता है कि आपका सहयोग ही हमेशा की तरह से मिलता रहेगा। इसमें हमारा CSR विंग भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि अभी रोटरी क्लब का चयन हुआ, उसमें मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो हमारा प्रयास होगा कि हमारा ये रोटरी क्लब जिन जिन अच्छी अच्छी चीज़ों को ला रहा है उसमें हम और भी रोटरी क्लब से संपर्क करें, ताकि हम एक संपूर्ण दृष्टि से और सब भाग्यामी निष्कर्ष पहुँचे, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को CBSE पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निशुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर टंडवा गढ़वा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड रेहला पलामू, विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुभी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़ गढ़वा।